अरे कुछ तो सीख अपने भाई से बेअकल। हूँ यार मैं बेअकल हूँ मैं नारायण, पर नहीं पढ़ना मुझे, फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मैंने वो ना करूँ मैं। चल ऐसे बात करते हैं, मम्मी आप नहीं बोले थे ना जिस चीज में खुशी मिलती है वो कर, मैं संभाल लूंगी। रजत ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। अरे पापा आपको कैसे पता अगर आईआईटी नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा। तू भी इसकी बकवास में आ गया, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम ही इनको भड़का रही है। अरे पापा मम्मी नहीं भड़का रही है यार, मुझे नहीं करने आईडिया, कोई समझ क्यों नहीं आ रहा है। सुन लिया, खुश हो आप? अरे पापा बात बात में मम्मी को बीच में क्यों घसीट रहे हो, उसे नहीं करने आईडी मम्मी यही तो कह रही है। इसमें तो क्या करेगा ये, क्या करेगा मुझे बता, क्या करेगा तू? बेटा जब रास्ता नहीं पता होता है ना तब हम किसी जानने वाले से पूछ लेते हैं, नहीं तो भटक जाते हैं। तू भी तो आईआईटी पढ़ रहा है, तुझे नहीं दिखता कैसे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूं। अरे कोई बात नहीं मैं खिला दूंगा, और मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूं इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ किया करते थे पहले, साइंस 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 में आईआईटी आईआईटी आईआईटी। पर आपका क्या पापा, लोग तो आगे वाह वाह ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा ना होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था, अनुज है ना अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में अपने मां बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। कभी सोचा मैं बीच सेमेस्टर में घर क्यों वापस आ गया, अकेले बैठे डर लगता था कमरे में, मैं डर गया हूं पापा। ऐसे इमोशनल होने से नहीं चलता, मेरे बेटे इतने कमजोर नहीं है। ये आईआईटी करेगा और तू वापस हॉस्टल जाएगा, ये आईआईटी नहीं करेगा, ये आईआईटी करेगा बस, नहीं करेगा रजत। बदतमीज, यही सिखाया तुम्हें? क्या कर रहे हैं आप? हिम्मत देख रही है इसकी? हमारी जुबान नहीं खुलती थी अपने बाप के सामने, और ये सामान तोड़ेगा, कल को हम पे भी हाथ उठाएगा तब भी गले लगाना इसको।